विशेषताएं कौन कौन सी हैं और शांति कौशल की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में शांति कौशल का क्या योगदान है, इन सारी चीजों को आज हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट इसमें उचित प्रक्रिया। शांति कौशल को सीखने के लिए, किसी भी कौशल की प्राप्ति के लिए या किसी भी कौशल को अर्जित करने के लिए हमें उचित प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। जब तक कि हमारी प्रक्रिया उचित नहीं होगी तब तक हम किसी भी कौशल को पूर्ण रूप से सीख नहीं सकते। दूसरा है आपका वैधता का समावेश। शांति शिक्षा की प्रक्रिया में या फिर शांति कौशल में वैधता का होना आवश्यक है। कोई भी कौशल जो हम सीख रहे होते हैं तो जब तक उसका हमको महत्वपूर्ण निष्कर्ष परिणाम नहीं मिलता तब तक वो कौशल वैध नहीं कहा जा सकता। तीसरा है विश्वसनीयता, यानी कि जब तक कोई कौशल विश्वसनीय नहीं होगा तब तक वो पूर्ण रूप से मान्य नहीं होगा। और इसलिए शांति कौशल की शिक्षा में, शांति कौशल में विश्वसनीयता का होना बहुत जरूरी है। चौथा है आपका चौथी विशेषता है समन्वय। जब तक कि समन्वय यानी समाज में भी देखा जाए तो समन्वय स्थापित करना हो या फिर किसी भी कौशल की प्राप्ति करनी हो तो उसमें समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। जब तक हम तालमेल किसी भी प्रोसेस में, किसी भी प्रक्रिया को या किसी भी कौशल को अर्जित करते हैं उनमें तालमेल नहीं होगा तब तक जो है हम समन्वय नहीं कर सकते। फिर है आपका पांचवा पॉइंट अनुभव का समावेश, यानी कि शांति कौशल की विशेषता में पांचवा पॉइंट है अनुभव का समावेश। किसी भी कौशल को सीखने के लिए, अर्जित करने के लिए हम जब किसी कौशल को करते हैं, किसी भी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं, बार बार अनुभव करते हैं कि हम एक नया रिजल्ट पाते हैं, एक नया परिणाम पाते हैं, तो तब हमारा कौशल जो है वो हमारे अनुभव पर निर्भर करता है। हम बार बार अनुभव करते हैं, नया परिणाम पाते हैं और वो परिणाम विश्वसनीय तभी कहलाएगा जब बार बार परिणाम एक समान प्राप्त होते हैं। छठा पॉइंट है आपका विश्लेषण एवं संश्लेषण।
अपने घर की तरफ